अरे तुम तो जंगल की शान है। अरे अरे नीचे उतर पहलवान, बड़ा ऊपर आओ ना, अपनी पूरी चीज़ लगा, कुश्ती लगा, चलो कुश्ती चलो। ये मीडिया आए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुश्ती, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुश्ती पीछे गए।
नाम लेके जाएंगे, आप पूरे भाई जरा ये पीछे से लाइन लगा देना, अगर लोहे का यार इसमें अगर करंट आ गया तो आप लोगों की जान चली जाएगी। मैं मेहरबानी है बैरिकेड से दूर रहे आप लोग। हिंदुस्तान के सबसे बड़े कुश्ती आप लोगों के लिए मसाज में लाके रखी गई है। हिंदुस्तान के दो बड़े सितारे आप लोगों के लिए खराब मत करो।
हमारे अनिल भोज चौधरी। इस कुश्ती में आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुश्ती भुसावल की सरजमीन पर आज एक बार पहले खबर करो ये उमेश पहलवान को मामले में जीत लेंगे। एक तो घर को लेकर जाएंगे, एक तो कुछ छोड़कर जाएंगे। ये पहलवान है जरा खबर करो, एक ताकत कुश्ती है। मैं तो 50,000 का पहलवान लाके भी बना देता, क्या फायदा था। आज लाखों रुपए की एक कुश्ती, 6 लाख रुपए की भुसावल की सरजमीन पर भिड़े हुए आप लोगों के लिए ये उमेश पहलवान की जवानी, हमारे टिक्के पहलवान येवले के एम काफी नहीं, जब आशिक पहलवान की कुश्ती हुई थी तो टिक्के पहलवान से बहुत अच्छे Yeah.
हिंदुस्तान के जो बड़े और अजीब पहलवान आज दोनों शेर हैं, लेकिन आज जो जीतेगा मैं समझता हूँ भुसावल पहलवान आज दोनों पहलवान में से कोई भी धर्म में ना रहे कि बराबरी में कुश्ती छूटेंगे, आज जिसको जीतेगा एक हारेगा। तो आज जीत तक का फैसला है, कुश्ती का फैसला हुए बगैर ये कुश्ती नहीं छोड़ी जाएगी। अभी वो बहुत मेहनत लेते हैं कुश्ती के अंदर, मैं समझता हूँ एक रैली ये पूरी होगी बहु की। हमारे सबके सीनियर मोस्ट सियासत में भी पहलवानी में भी अखाड़े में भी इंटरटेनमेंट में भी इनको बोलते हैं आज ही नहीं पहलवान। आज की कुश्ती के लिए हमारे साथ में रईस दादा मौजूद है। रईस दादा क्या कहेंगे दंगल को लेकर? दंगल अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि दंगल इतना बेहतरीन हुआ है और बहुत बड़ा दंगल था, पब्लिक हद से ज़्यादा पब्लिक थी दंगल में, तो डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया हमको, कुछ पब्लिक भी शांति से बैठी, कुछ पब्लिक एक दो कुश्ती के ऊपर थोड़ी गड़बड़ करने लगी, लेकिन कुश्ती बहुत अच्छी हुई, बहुत बेहतरीन कुश्ती हुई, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे दंगल तो और होते रहेंगे। आज जो सिकंदर शेख की कुश्ती थी उमेश मथुरा के साथ, तो उमेश मथुरा ने हार मान के सिकंदर को कुश्ती दे दी, तो सिकंदर शेख को ये जीत हासिल हुई। क्या वजह रही कि जो है जो दूसरा पहलवान है उसने जो है हार मानी? वो उनको कुश्ती लड़ते लड़ते मसल्स ताने गया पटका, तो फिर उनसे थोड़ा खड़े रहने में प्रॉब्लम थी, तो बोले कुश्ती में दे देता हूँ। ये जो कुश्ती हुई है कितने मिनट की जो है आखिरी कुश्ती हुई है? ये मिनट तो मेरे ख्याल में नहीं रहा, लेकिन करीबन आधा घंटा कुश्ती चली है। 30 से 35। क्या कहेंगे शहरवासियों से? मैं ये कहूँगा कि भाई अगर पब्लिक हमेशा शांत बैठे और शांत रहे तो ऐसे दंगल बहुत होते रहेंगे, ऐसे सिकंदर इंशाल्लाह बहुत आते रहेंगे और बहुत ऐसी कुश्तियाँ होती रहेंगी। सही बात है। इसके साथ में हमारे साथ में नायब पहलवान जो है नंदुरबार के हमारे साथ में मौजूद है। नायब भाई क्या कहेंगे भाई? बस भाई यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से तो भुसावल वासियों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज इतना बड़ा और आलिशान दंगल जो वहाँ पे हुआ, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई इसके लिए माफ़ी चाहता, लेकिन ये जो आयोजन था ये अब तक का सबसे तगड़ा आयोजन था और ऐसी कुश्तियाँ मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम देखी। सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, बहुत अच्छी कुश्तियाँ हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतरीन साथ दिया, पब्लिक ने भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा साथ दी और बहुत खुश हुई जनता भी, और इंशाल्लाह अगर ऐसे ही सबका साथ रहा तो आगे भी ऐसे आयोजन हाजी इकबाल पहलवान अखाड़ा और हमारे आशिक पहलवान जी की याद में होते रहेंगे। और रईस भाई का ही जिगर है कि ये जिगर अकेला आदमी का
ऐसा शायद ही किसी का जिगर हो कि खुद के दम पे इतना बड़ा दंगल कर सके। देख रहे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर सब तब भी मौजूद है आशिक पहलवान अखाड़े के अंदर, आशिक बाल पहलवान अखाड़े के अंदर यहाँ पर बच्चों का महादंगल आयोजित किया गया था। इस वक्त हमारे साथ में जो है फिरोज शेख मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या उनको इस दंगल के बारे में कैसा लगा। भाई इस दंगल को लेकर तो यही कहूँगा कि आज हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े की जानिब से हाजी इकबाल पहलवान और रईस पहलवान इनकी कोशिशों से और इनकी पूरी टीम की कोशिशों से हाजी मरहूम आशिक पहलवान साहब की याद में जो ये दंगल का आयोजन किया गया था, एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत कामयाब आयोजन रहा कि जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी अच्छी कुश्तियाँ तो देखने को मिली, साथ ही हिंदुस्तान के दो बड़े पहलवान जिनको देखने के लिए लोग तरसते हैं और जिनको देखने के लिए लोग टिकट देते हैं, आज हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े की जानिब से और रईस पहलवान की वजह से आज भुसावल की सरजमीन पर जो है तो दो बड़े पहलवानों की कुश्ती यहां पर हुई। एक ऐसे दंगल का आयोजन करना, अपना जान माल वक्त उसके लिए लगाना, मैं समझता हूँ मामूली बात नहीं है। हाजी इकबाल पहलवान साहब, रईस पहलवान, कमाल ठेकेदार और उनकी पूरी टीम, जितने भी लोग उनके साथ हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको ऐसे अच्छे काम करने की और तौफीक दे और ऐसे खेल को जो हिंदुस्तान की पहचान माना जाता है कुश्ती, उसको जो है तो आज उन्होंने भुसावल में ज़िंदा रखा है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवानों को यहाँ पर लाकर वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह जिनके लिए उन्होंने जो है तो ये कुश्ती का दंगल रखा था, हाजी मरहूम आशिक पहलवान, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है तो उनको जो है तो बिल्कुल मग़फ़िरत करे और उनके जो है तो दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह जो है तो हाजी रईस पहलवान और हाजी इकबाल पहलवान साहब की उम्रों को दराज करे जिन्होंने इतने अच्छे दंगल का और इतने अच्छे जो है तो कुश्तियों का आयोजन किया था। कुश्तियों को लेकर जो है क्या कहेंगे, कैसे लगा? मैं तो ये कहूँगा कि क्या कहना, ये जो कुश्ती जो हमारे उमेश मथुरा पहलवान और सिकंदर पहलवान की जो ये कुश्ती सही में वाकई में ये एक नंबर कुश्ती हुई है और हमारे आशिक पहलवान इनकी याद में जो कुश्ती भराई गई है तो अल्लाह भगवान उन्हें जन्नत और उसमें नसीब करे। और हमारे रईस पहलवान और आशिक पहलवान इन्होंने कुश्ती का जो आयोजन किया है हिंदू मुस्लिम एकता के उपलक्ष्य में, ये भुसावल शहर के बहुत ही भुसावल शहर की तरफ से मैं दोनों पहलवानों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा ही हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर दंगल भराया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता ये बनाई रहे। नमस्कार। सभी कुश्ती प्रेमी और पहलवानों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुश्ती का दंगल यहाँ पर समाप्त हुआ है और ये जो भुसावल शहर में जो दंगल हुआ है हमारे इकबाल दादा और रईस दादा ने जो दंगल करवाया है शायद ही ऐसा दंगल भुसावल शहर में कभी होगा। मैं इकबाल दादा और रईस दादा का हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि आपने शहर भुसावल में कुश्ती को जिंदा रखा है। ऐसे ही भुसावल शहर का नाम कमाते रहो और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार प्रेम हमारे ऊपर बनाते रहो। धन्यवाद। इस वक्त मौजूद है हम हाजी इकबाल पहलवान अखाड़े के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में शाकिर नूर पहलवान मौजूद है। शाकिर नूर पहलवान, कैसी लगी आपको ये कुश्ती जो है रईस पहलवान ने जो आयोजित की थी? अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। जो है महाराष्ट्र भुसावल के अंदर जो रईस भाई ने आशिक दादा पहलवान की याद में दंगल कराया है, ये हर साल 28 तारीख को होता है क्योंकि इसी 28 तारीख को हमारे आशिक पहलवान जी का इंतकाल हो गया था, अल्लाह को प्यारे हुए थे। कुश्ती के मैदान में ही अल्लाह उनको मंगफिरत फरमाए, उनकी जो याद में दंगल होता है ना ये, तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग रईस दादा को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ का दंगल माशाल्लाह बहुत खूब कामयाब दंगल हुआ और यहाँ की पब्लिक का प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला माशाल्लाह। जो बड़े पहलवान आए थे सिकंदर पहलवान, उसकी उनकी कुश्ती को लेकर क्या कहेंगे? देखो सिकंदर सा एक पहलवान महाराष्ट्र केसरी, वो आप कह सकते हो कि हिंद केसरी, भारत केसरी, इंडिया का सुपरस्टार पहलवान है, सभी जानते हैं। तो उन्होंने एक नंबर कुश्ती दिखाई, कुश्ती 15 मिनट हुई। हमारे जो यूपी के मथुरा के उमेश पहलवान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कुश्ती दिखाई, बाद में 15 मिनट कुश्ती चली। 15 मिनट कुश्ती चलने के बाद उनकी पैर में कोई फ्रैक्चर आ गया तो इस करके कमेटी ने कुश्ती सिकंदर को दे दिया, उसको चोट लग गई थी पहलवानों को तो इसलिए कुश्ती बीच में छोड़ दिया उन्होंने। कुश्ती बहुत अच्छी है।
भाई क्या कहेंगे आप कुश्ती को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ पहले जितने भी संगत यहाँ पे आई, जितने भी लोग आए, और कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, रईस भाई का, कमल दादे का, जितने भी हमें सपोर्ट करने वाले हैं। हम तो जम्मू के रहने वाले हैं, तो बाकी सब जितने भी दर्शक, जितने भी लोग यहाँ पे आए, सबका शुक्रिया अदा करना है, बहुत प्यार मिला हमें। बाकी क्या पूछना चाहते हैं भाई? सिकंदर पहलवान को लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखो सर, ऐसे पहलवान तो मेरे हिसाब से इस टाइम तो सिकंदर ही है बस। हम इसके लिए मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ हमारे पास नहीं है जो हम बोल सकते हैं सिकंदर। इस टाइम सिकंदर मतलब सिकंदर ही है। इसका अलग से ऊपर वाले की तरफ से है, गॉड गिफ्टेड है सिकंदर। मतलब सिकंदर के जैसा ना आया होगा कोई, ना आएगा शायद मेरे हिसाब से। देखा गया है कि सिकंदर पहलवान जो है कुछ युवाओं के साथ में जो है कुछ बदतमीजी हुई, उनके चाहने वालों के साथ में, अभी कुछ युवाओं ने जो है कहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अगर उनको बुलंदियाँ मिली है तो उन्होंने जो है उस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, ठीक है, उसके बाद कामयाबी तो हमें बाद में मिली। अब मुझे इतना पता नहीं है तो क्या हुआ क्या नहीं, ना मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात है अल्लाह से अच्छा मांगो। और इन लोगों की वजह से हम पहलवान हैं, ये लोग हमें नहीं चाहते हम नहीं आते, हमें नहीं बुलाते तो हम नहीं आते। सब कुछ है तो बस फैन फॉलोइंग है, लोग हैं, प्यार है, मोहब्बत से ही सब कुछ है। इस बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि लोगों के साथ बदतमीजी की, सिकंदर सिकंदर, देखो हर एक पहलवान का एक एटीट्यूड होता है। अल्लाह ने उसको इतना इज्जत से नवाजा है, इतना बुलंदी पर पहुँचाया है, तो उसको ऑटोमेटिक फीलिंग है अंदर से कि अल्लाह ने मेरे को इस मुकाम पर पहुँचाया है। और इधर की पब्लिक में थोड़ा वो है, वो मिलने के लिए उतावले होते हैं, और खास करके अगर एक एक आदमी मिले तो पहलवान को उससे डिस्टर्ब नहीं होता। जब एक साथ में 100 आदमी जाएंगे तो पहलवान को खतरा होता है चोट पेट का, क्या पता उन 100 आदमी में कोई एक दुश्मन आ जाए, ये पहलवानी है थोड़ी सी चोट में ख़राब हो सकती है। इसमें सिकंदर को दोष नहीं दूंगा, सिकंदर को कुछ गलत नहीं बोल सकते आप भी और हम भी, क्योंकि वो उनका निजी मामला है, वो कैसा बर्ताव किसके साथ करते हैं कैसा नहीं करते हैं, हमें अपने तक सीमित रखना है। नसीम अली यूपी, इसी के साथ में हमारे साथ में यूपी के जो है नसीम अली पहलवान है, क्या कहेंगे सर दंगल को लेकर? भाई दंगल बहुत अच्छा दंगल करा रहा है इस भाई ने, और दंगल कराने का इनका मकसद ही है कि अपने भुसावल की पहलवानी आगे बढ़े और पहलवानी नशे से बच्चे दूर रहें। वो बहुत अच्छा गेम है, पहलवान की सभी जगह इज्जत होती है। रईस भाई ने इतना अच्छा अखाड़ा, इतना अच्छे पैसे लगाए ताकि कि हमारे भुसावल के बच्चे आगे जाएँ और नेशनल में भी मेडल लाएँ और अब ओलंपिक में भी मेडल लाएँ। बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था करी है जिसने पहलवानी करी, रईस भाई ने। कितनी बढ़िया मैट भी है, मिट्टी भी है, और यहाँ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है रईस भाई ने। ऐसे आदमियों का सपोर्ट करना चाहिए और दंगल में सब सहयोग करना चाहिए। सलाम।